हेलो एवरीवन, टुडे वी आर मेकिंग अ कुशन कवर विद सम क्रिएटिविटी. ओके, यू जस्ट लुक इट. मैंने मेरे घर पे ये वेस्ट क्लॉथ था, सो मैंने इसका कुशन कवर बनाया है. और इसके ऊपर, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके ऊपर पहले से ही कलरिंग हो रखी है. मैंने इसमें पहले कलर किया था, बट वॉश करते करते कलर इसका जा चुका है. सो मैं आज आपको इसी के ऊपर कलर करके बताऊंगी किस तरीके से हम कुशन कवर को थोड़ा सा क्रिएटिव बना सकते हैं. मेरे पास कुशन कवर बना हुआ है, इसलिए मैं इसके अंदर पॉलीथीन डालूंगी, पॉली बैग, जिससे कि पेंट करते टाइम पीछे वाले क्लॉथ पे बिल्कुल भी कलर के पैचेस ना आए, कलर ना आए. अगर आप सिंपल क्लॉथ्स पे करना चाहते हैं तो आप पहले उसके ऊपर पेंटिंग कर लें, देन यू हैव टू मेक अ कुशन कवर. गॉट दैट? आपको पहले इसके ऊपर पेंटिंग करनी होगी, उसके बाद आप कुशन कवर को स्टिच करें. कुशन आप देख रहे हैं, इसके ऊपर पेंटिंग बनी हुई है, बट फिर भी मैं एक बार पेंसिल का यूज़ करूँगी ताकि जिससे मेरे को पेंटिंग करने में आसानी हो. बहुत सारी चीज़ें इसमें से गायब हो चुकी हैं. हल्के हल्के हाथों से आप पहले पेंसिल से ड्रॉ कर लें. यस, नाउ मैंने पेंसिल से ड्रॉ कर लिया है सब कुछ. उसके ऊपर दोबारा एक बार पेंसिल की शेडिंग डाल दी है. अब आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि पिक्चर क्या है ये. और अब हम इसमें कौन से कलर चूज़ करेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ. जैसा कि आपने मेरी लास्ट पॉट वीडियो में देखा होगा, मैंने फैब्रिक यूज़ कर रहे थे. इस कलर से शुरू कर रही हूँ. ये मेहंदी कलर है क्योंकि स्टार्टिंग में यहाँ पे मेहंदी का शेड आएगा. मेरे को थोड़ा सा खाली खाली लग रहा है, सो मैं इसके साइड में स्प्रे पेंटिंग करने वाली हूँ. थोड़ा सा स्प्रे कर देती हूँ, कलरफुल हो जाएगा, अट्रैक्टिव भी लगेगा. सो यू विल सी, नाउ यू विल सी देयर. मैंने इसमें ब्लू कलर के स्प्रे किया है. और यहाँ पे आप फॉर्म या फिर कुछ भी बुक वगैरह, कार्डबोर्ड वगैरह रख सकते हैं, जिससे कि जो स्प्रे हो वो उस पिक्चर के ऊपर ना जाए. आफ्टर स्प्रे यू सी my cushion cover painting has been ready. If you like my cushion cover painting, so please click a like button and bell icon also press. Please, thank you so much.